एंड देन इसके अलावा मुझे एक बात बताएं कि अपनी लाइफस्टाइल में सिक्योरिटी को ज़रूरी मद्देनजर रखना भी ज़रूरी है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट? सर बिल्कुल ज़रूरी है. अब आप देखें ना, आपका घर है, आप जब रात को यू वाइंड अप एंड यू गो टू बेड, आई मीन यू ऑब्वियसली यू ट्राई टू लॉक योर डोर्स, यू ट्राई टू सी दैट आपकी गाड़ी की चाबी आपके पास है. कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो घर में सेट हुए हुए होते हैं, तो आप उन चीज़ों को एटलीस्ट एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हो सोने से पहले कि यार आई एम गोइंग टू बेड, खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए. अब तो द सेम गोज़ विद एनी थिंग यू डू. लाइक अगर आप सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, उसको अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तो आई मीन यू विल एंड अप लूजिंग थिंग्स. दो के ऐसा नहीं है कि अगर आपने इम्पोर्टेंस भी दे दी, सब कर दिया, तो आप हैक प्रूफ हो जाएंगे, आपको कोई हैक नहीं कर सकता, आप बिल्कुल सिक्योर हैं, आपकी प्राइवेसी स्टेबल है. नहीं, ऐसा नहीं है. देर आर वेज, देर आर थिंग्स, लेकिन एटलीस्ट द बेस्ट पीपल कैन डू फ्रॉम देयर परस्पेक्टिव इज़ दैट दे कैन एटलीस्ट टेक द मेजर्स टू सिक्योर देम सेल्फ. एटलीस्ट लाइफ में, चीज़ डेली लाइफ में, आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, आपके पास इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार ये एप्लीकेशन एटलीस्ट वर्थ इट भी है मैं जो डाउनलोड कर रहा हूँ. इसके व्यूज़ क्या हैं, इसके रिव्यूज़ क्या हैं, इस पर रेटिंग्स हैं, इसको किन लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है. फॉर अगर हम iOS यूज़ करते हैं, तो iOS एप्पल ने उसको इंड्रोस किया हुआ है या नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप है, हमें पता है लिजिट एप्लीकेशन है, स्काइप है, फेसबुक है, इंस्टा है, ये लिजिट एप्लीकेशन हैं, इनको इंड्रोस किया हुआ है वर्ल्ड वाइड, ये यूज़ हो रही हैं, इस पर कंप्लाइंस स्टैंडर्ड्स इनके नेक्स्ट लेवल हैं, हम मीट ही नहीं कर सकते उन चीज़ को. सॉरी नाम ले लिया, लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि दो यूज़र्स हैं, तीन यूज़र्स हैं, स्कैम एप्लीकेशन हैं, लोग डाउनलोड कर रहे हैं, लोग डाउनलोड करके ये तक नहीं देखते कि यार वो एप्लीकेशन ना किस चीज़ का राइट मांग रही है. अलाओ 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 अलाओ, क्यों हमें बस वो एप्लीकेशन यूज़ करनी है, देखते हैं क्या. उस चक्कर में हो गया रहा होता है कि वो एप्लीकेशन में अगर कोई वल्नरेबिलिटी आ गई ना, तो ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन एट रिस्क है, क्योंकि आपके पास वो एप्लीकेशन है. रिसेंटली एक अभी हमारा सिनेरियो हुआ था, एक हमारी पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर एप्लीकेशन है, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन आई थिंक लोगों को पता चल जाएगा, राइड हेलिंग ऐप है. तो उसमें अभी रिसेंटली कुछ एक ना वल्नरेबिलिटी आई थी, तो अब हुआ क्या कि देखें लोगों के वॉलेट्स जो थे वो भी खाली हो गए इस चक्कर में, जो लोगों ने अपने क्रेडिट अमाउंट अपनी उस ऐप में रखी हुई थी वो भी खाली हो गई. क्यों हुई, कैसे हुआ, डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो है अब मैं आपको इसका एक्सट्रैक्ट बताता हूँ. एक वल्नरेबिलिटी थी जो कि किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में थी या किसी मोबाइल एप्लीकेशन में थी. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एज अ कंपनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो प्रोडक्ट या मैं जो चीज़ मार्केट में ला रहा हूँ, दैट शुड एटलीस्ट हैव प्रोटोकॉल्स एंड थिंग्स इन प्लेस, कि जिसकी वजह से ये एटलीस्ट मैं बोलता हूँ कि 99% ये हैक नहीं हो सकती, देयर इज स्टिल अ चांस. लेकिन उससे हुआ क्या, जब वो हैक हो गई, आपका फ़ोन भी इम्पैक्ट हुआ, मेरा फ़ोन भी इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि हमारे फ़ोन में बस वो एप्लीकेशन इटसेल्फ एग्जिस्ट कर रही थी, तो हमारा फ़ोन भी एट रिस्क हो गया. जबकि एक्सप्लॉइट क्या हुई थी, वो एप्लीकेशन हुई थी, हमारा फ़ोन का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था, आपका मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं था. एप्लीकेशन के एक्सप्लॉइट होने से आपका फ़ोन, आपके फ़ोन का डेटा एट रिस्क खुद ब खुद ही चला गया. सो वी शुड अवॉइड हैविंग यूजलेस एप्लीकेशन ऑन आर फोन. वी शुड बी पिकी ऑन थिंग्स वी शेयर ऑनलाइन, थिंग्स वी डू नॉट शेयर ऑनलाइन. एक बहुत अच्छी एक फेसबुक पे मैंने 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री देखी थी, जिसमें वो एक लड़की थी, शी वॉज वेरी आउट गोइंग, सोशल, हैप्पी, फ्रेंडली लड़की, हर चीज़ अपनी पोस्ट कर रही है सोशल पे, स्नैपचैट पे, इधर भेज रही है उधर भेज रही है. अब एंड में क्या होता है, उसके पास एक मैसेज आता है, $5,000 हैज़ बीन चार्ज्ड फ्रॉम योर अकाउंट अगेंस्ट दिस 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 दिस, और वो यूँ सर पकड़ के बैठ जाती है कि व्हाट हैपेंड, हुआ क्या. फेसबुक के थ्रू उसकी बर्थडे और उसकी ईयर और वो सब चीज़ें पता चली, ठीक है. वो स्नैप्स भेजती थी, स्टोरीज लगाती थी, पोस्ट शेयर करती थी. अब मैंने एक पोस्ट शेयर की, मैं खाना खा रहा हूँ, रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, यहाँ मेरा कार्ड पड़ा हुआ है उसके साथ, ठीक है, यहाँ खाना पड़ा हुआ है, मैंने वाइड एंगल में पिक्चर ली है, कार्ड भी आ रहा है, खाना भी आ रहा है, सब विजिबल है, मैंने पोस्ट कर ली, देन आई हैव योर कार्ड नंबर. अगर मैं आप पे सोशल इंजीनियरिंग कर रहा हूँगा, द फर्स्ट थिंग आई डू इज़ दैट आई डू अ रिसर्च अबाउट यू, एंड दैट इज़ अ शिट लॉट ऑफ रिसर्च, लाइक नॉर्मल रिसर्च नहीं, मैं टूल्स भी चलाऊँगा, मैं स्कैनिंग भी करूँगा,
इस लेवल की स्कैनिंग भी होती है कि दे स्कैन एंड दे वेट ऑन द रेडार टू सी व्हेन डू यू कम ऑनलाइन एंड व्हेन डू यू गो ऑफलाइन दे ट्रैक योर व्हाट डू यू कॉल इट योर पैटर्न कि आप कब आते हैं कब जाते हैं सो देर आर अ लॉट ऑफ वेज एंड मतलब एज अ लेमैन वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि यार हम क्या शेयर कर रहे हैं वही वाली बात कैसे ख्याल करना ज़रूरी है और इसके लिए जाहिर सी बात है अवेयरनेस है अब वो अवेयरनेस अगर आपको खुद से नहीं मिल रही तो यार ये आई थिंक आपका राइट बनता है कि आप इसको एक्सप्लोर करो आज के दौर में एंड आई थिंक हमारी तो 25 करोड़ की आवाम है इतनी ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम सोच नहीं सकते सर देखें वो 25 करोड़ की आवाम ना टिकटॉक पे टिकटॉक बना लेगी सही है अंड की शंट बोल देगी वो वहाँ पे आई एम सॉरी टू से लेकिन वो गूगल पे ना तमीज़ की चीज़ नहीं सर्च करेगी क्योंकि बेचारी उस आवाम को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है यही तो वजह है कि हम इस तरह के पॉडकास्ट कर रहे हैं ताकि इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो अच्छा डेटा के हवाले से मैं ये पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान में एक बड़ा सिंपल कल्चर है कि आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो जितने भी दुकानदार हैं वो डायरेक्टली अब आप उनसे सामान खरीद रहे हो सर आपका ईमेल एड्रेस सर आपका फ़ोन नंबर ईमेल एड्रेस तो बात की बात है डायरेक्ट सर आपका फ़ोन नंबर क्या है और जितने भी मैंने अक्सर वेस्ता नोटिस किया है कि लाइन में लोग लगे हैं और अपने सब नंबर धड़ाधड़ दे रहे होते हैं चाहे वो लड़का हो लड़की हो अंकल हो आंटी हो बेचारे अपने नंबर दे रहे होते हैं मैं नहीं देता ठीक है क्योंकि मुझे पता है कि उसका नुकसान क्या है कि मेरा वही इनबॉक्स भरा रहेगा ठीक है इन सारे ब्रांड्स के मैसेजेस से और बिल्कुल यूज़लेस है एंड आई डोंट नो ये इसमें फिर नंबर हमारा डेटा बिकता भी है और ये सारी चीज़ें भी होती हैं तो व्हाट डू यू सजेस्ट पीपल फॉर दिस सर देखें आई सजेस्ट वही वाली बात है कि ट्राई टू शेयर एज लेस एज यू कैन देखें आपको भी पता है हमें भी पता है हम जिस डिजिटल दौर में रह रहे हैं एवरीथिंग इज़ सेलिंग जो आप नंबर आपसे मांग रहे हैं ब्रांड्स मांग रहे हैं सब कर रहे हैं दे आर सेलिंग द सेम थिंग्स टू अदर पीपल इन एक्सचेंज ऑफ मे बी मनी मे बी समथिंग एल्स रीज़न बींग के उनको तो पता है ना कि यार एक कंज्यूमर है जिसका नाम दानियाल शेख है जो कि मैं आपको स्टैट्स बता रहा हूँ पावर बी आई या इस तरह के जो टूल्स होते हैं ये सारे डेटा जो है ना रॉ फॉर्म में जाता है और इसके पीछे जो एजेंडाज होते हैं ना वो क्या होते हैं वो ये होते हैं कितने यूज़र्स हैं यार जो कि इस ब्रांड का ये वाला कलेक्शन पहनते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रांड है जो कि यूथ को प्रमोट कर रहा है जो कि रिलैक्स्ड फिट ला रहा है फुल ना यो कपड़े ला रहा है तो वो आपसे आप शॉपिंग कर रहे हो आपसे नंबर भी मांग रहा है नॉर्मल बंदा समझ रहा है यार इट्स कूल के वो नंबर मांग रहा है वो हमें बताएगा कब सेल लगेगी कब नहीं है they are doing that I know but at the end they know that you are a person who likes to wear this brand and aapne is time pe matlab yahan se ye shopping ki hai ye sare data available hai us basis pe fir aapko marketing hoti hai sms marketing email marketing aapke interest ke basis pe wahi wo aapki baat jo ke आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करें आपको उसका एड दिखना शुरू हो जाएगा दैट्स द सेम थिंग सो वन वे और अनदर इट्स जस्ट द वे टू कलेक्ट द डेटा इट्स वेरी रॉन्ग आई मीन जो आपने वो वाली बात की कि चेकआउट पे जब आप होते हो आपसे नंबर मांगते हैं दैट्स नॉट गुड कोई भी अब मैंने ऑब्जर्व किया है कि इसी तरह मैं चेकआउट पर था तो एक खातून खड़ी हुई थी और वो उनको कह रहा था कि जी मैडम आपका नंबर चोटिल पर था एंड वो अपना नंबर दे रही थी एंड समवन फ्रॉम द बिहाइंड वो उनके नंबर कॉपी कर रहे हैं सो यहाँ पे ये ब्रीच भी आ गया और यहाँ बहुत होता है इस तरह से तो होता है सर बहुत और ये अभी रिसेंटली एक लड़की ने ट्वीट किया था कि अपने आई थिंक इजी पैसा के लिए वो गई उसने नंबर बोला और उसके बाद कह रही है दर्जनों की तादाद में मेरे पास मैसेज आ रहे थे ये तो देखें आप देखें ये तो अभी एडवांसमेंट हुई है ना कि ईजी पैसा आ गया आपका जैस कैश आ गया आप टॉपअप बहुत ईजीली कर सकते हैं पहले तो लोड कराने जाते थे आपको याद है वो टाइम लोड करा के आ जाओ तो वो कुछ बाजी आई लोड कराने तो उन बाजी को अगले दिन से इतनी कॉलें आने लग जाती थी कि बाजी को अपना नंबर ब्लॉक करना पड़ जाता था दैट्स द आई मीन द सैड पार्ट अबाउट आवर सोसाइटी वो तो एक अलग ही एक डिबेट है लेकिन बात ये है कि ब्रांड्स को भी देखें अगर देयर इज अ प्रॉपर वे टू डू थिंग्स कोई नहीं कह रहा कि आप अपने कस्टमर्स का नंबर नहीं लो यार आप लो और फायदा भी नहीं हो रहा ना कस्टमर को भाई आप 10% ऑफ दे रहे हैं कुछ तो फ्री में मुफ्त में मेरा ये पॉइंट होता है कि एक बहुत बड़ी चीज़ जा रही है किसी की तो वो मुफ्त में नहीं जानी चाहिए।